राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 27 अक्टूबर को एक दिन के लिए प्रदेशव्यापी चक्का जाम होगा। ये हड़ताल 11 सूत्री मांगों को लेकर है। रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों एटक, सीटू, इंटक एसोसिएशन, बीजेएमएम, कल्याण समिति के संयुक्त मोर्चा ने 27 अक्टूबर को चक्का जाम हड़ताल का फैसला लिया है। 20 अक्टूबर को प्रदेश भर के रोडवेज की सभी इकाइयों पर ढोल बजाओ सरकार जगाओ नारे के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। 25-26 अक्टूबर को 2 दिन प्रदेश भर में रोडवेज की सभी इकाइयों पर दिन रात के धरने आयोजित किए जाएंगे। 27 अक्टूबर को चक्का जाम हड़ताल का फैसला लिया गया है। हमारी पहली मांग है कि हर महीने की 1 तारीख को वेतन, पेंशन और 1 महीने का सेवानिवृत्त परिलाभ हर महीने की 1 तारीख को आवश्यक रूप से दिया जाए और 7वां वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार हमारे कर्मचारियों की जनवरी 2016 से वेतन और पेंशन संशोधित किए जाए और पिछले 5 साल में 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके और 500 करोड़ से उनके ज़्यादा के सेवानिवृत्ति परिलाभ है उनका एकमुश्त भुगतान किया जाए और रोडवेज में 1500 नई बसें जनित के अंदर डाली जाए, 9,000 खाली पद पड़े हुए उनको भरा जाए और इसके साथ हम ये भी कह रहे हैं सरकार से कि आप हमको इस रोडवेज को सरकार के अंदर ले लो और सरकार के विभाग के रूप में संचालित करो, क्योंकि आप निगम के रूप में संचालित करने की तो आपकी मंशा हमको नजर नहीं आती है। 27 अक्टूबर को ही RAS प्री की परीक्षा होनी है जिसमें करीब 7 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। ऐसे में अगर ये हड़ताल हुई तो 8 लाख परीक्षार्थियों का परेशान होना तय है। देखिए, राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से हम 27 अक्टूबर को पूरे राजस्थान के अंदर एक दिन की 24 घंटे की हम हड़ताल करने जा रहे हैं। प्रदेशव्यापी हड़ताल होगी और जब ये हड़ताल होगी ड्राइवर कंडक्टर काम नहीं करेंगे तो बसों का पहिया थम जाएगा, एक तरीके से चक्का जाम ये हड़ताल हो जाएगी। हमको ये हड़ताल बहुत मजबूरी के अंदर करनी पड़ रही है, हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। सरकार ने हमसे जो वायदे किया 33 महीने हो गए, 33 महीने में सरकार ने अपना एक भी वायदा आपको पूरा नहीं किया है और हड़ताल पे जाने से पहले भी हमने 3 महीने पहले सरकार को चेताया कि हम 8 चरणबद्ध आंदोलन धीरे धीरे करके हड़ताल की तरफ जाएंगे। 8 चरणबद्ध आंदोलन हम पूरे कर चुके हैं, सरकार ने अभी तक भी कोई अभी पहल करी नहीं है मांगों को मंजूर करने की दिशा में। अंदर आपको बताते हैं कि रोडवेज कर्मियों की मांगे क्या है। वेतन, पेंशन, 1 महीने के सेवानिवृत्ति परिलाभ का हर महीने के पहले कार्य दिवस को भुगतान, रोडवेज में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जनवरी 2016 से वेतनमान, पेंशन संशोधन, अक्टूबर 2016 से सितंबर 2021 तक 60 महीनों में 5,000 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के परिलाभों का एकमुश्त भुगतान हो, दीपावली पर 4 सालों के बकाया एग्रेसिया का भुगतान हो, जनहित में 1500 नई बसों की खरीद हो, रोडवेज में 9,000 से ज्यादा खाली पदों पर नई भर्ती हो, रोडवेज के बस स्टैंड के बाहर अवैध रूप से संचालित सभी तरह की निजी बसों को 2 से 5 किलोमीटर दूर से संचालित किया जाए, रोडवेज को राज्य सरकार में समाहित करने सहित अन्य मांगों पर सरकार कार्यवाही करे। रोडवेज संगठनों की हड़ताल का एक प्रमुख कारण मौजूदा रोडवेज प्रबंधन की हठधर्मिता भी है, क्योंकि समय रहते रोडवेज के संगठनों ने रोडवेज प्रबंधन को हड़ताल के बारे में कानूनी नोटिस दे दिया था, लेकिन अभी तक रोडवेज के CMD ने हड़ताल को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की है। अगर ऐसे में तय तिथि पर रोडवेज की हड़ताल रही तो प्रदेश भर में लाखों परीक्षार्थियों के साथ ही आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जयपुर से शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।